हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम भूषण स्टील के बारे में बात कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस इस स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे एक बिग सस्पेंस, कौन खरीद रहा है इस कंपनी को, ये एक एक बहुत ही, अगर मैं बात करूं ऐसा कि अनआंसरेबल क्वेश्चन है करंट सिनेरियो में। क्योंकि अभी तक जहां तक हमने सुना था कि टाटा स्टील का ऑक्शन सेलेक्ट हो गया, लेकिन वहीं एक लेटेस्ट अपडेट आया जिसमें कि उस ऑक्शन में जीएसडब्ल्यू स्टील ने लीड ले ली है। और आइए देखते हैं वो न्यूज़ जिसमें कि आज यानी 16 अक्टूबर की शाम को ये न्यूज़ आई है कि जीएसडब्ल्यू स्टील को लीड मिल गई है भूषण स्टील के ऑक्शन में। तो क्या है वो न्यूज़, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जीएसडब्ल्यू स्टील टेक्स द लीड इन द भूषण पावर एंड द स्टील रेस, बट दिस मे नॉट बी द एंड ऑफ द ऑक्शन एज टाटा स्टील एंड द लिबर्टी हाउस कुड स्टिल पुट इन द रिवाइज्ड बिड। पहले मैं आपको न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ पूरी। जीएसडब्ल्यू स्टील हैज टेकन अ लीड इन द भूषण पावर एंड द स्टील रेस विद इट्स बिड गार्निंग 66.6% ऑफ द लैंडर्स वोट। लैंडर्स ऑफ द स्ट्रेस्ड स्टील मेकर हैड बिगन वोटिंग ऑन द अक्टूबर 15 एंड डे लेटर जीएसडब्ल्यू स्टील्स ऑफर हैड गॉट द मिनिमम परसेंट ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड। द अदर कंपनीज इन द फ्रे इंक्लूड टाटा स्टील एंड द लिबर्टी हाउस। The voting had taken place after a lull of the 2 months in the auction. In August, JSW Steel has surprised everyone by upping its bid to the 19,700 crore, upping bids of Tata Steel 17,000 crore and the Liberty House 18,500 crore. यानी कि जो maximum जो highest bid थी वो JSW Steel की है, जिसने कि जो bidding की है वो 19,700 crore की है। GSW Steel's bid had got 66% of votes by Tuesday noon itself. It would probably end up with the 95% of the votes, said an executive. The latest development, though, may not be the final word in the race that had many twists. Tata Steel and the Liberty House could still revise their bids. Abhi Tata Steel aur Liberty House bhi apni bids ko revise kar sakte hain. Abhi yahi par auction end nahi hua hai. भूषण पावर एंड स्टील विच वॉज ऑन्ड बाई द डेली बेस्ड सिंगल फैमिली हैज ए डेट ऑफ ओवर 45,000 करोड़। दिस वुड मीन द बैंक्स वुड बी फोर्स्ड टू टेक अ सिग्निफिकेंट हेयर कट इफ द जीएसडब्ल्यू स्टील्स इज द फाइनल ऑफर। यानी कि देखिए, टाटा जो भूषण स्टील है उसके ऊपर एक 45,000 करोड़ का डेट है। एक बहुत ही बड़ी स्टील मेकर कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छी असेट वैल्यू है, सभी जानते हैं। इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर लिबर्टी हाउस है, सभी पूरा दमखम लगा रहे हैं इस कंपनी को अपने फेवर में लाने के लिए। एंड फाइनली अभी जो गेंद है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के पाले में चली गई है। अब देखते हैं कि टाटा स्टील या लिबर्टी हाउस क्या अपनी बिड को रिवाइज करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं देन ट्विस्ट बरकरार रहेगा, सस्पेंस बरकरार रहेगा, नहीं तो जीएसडब्ल्यू स्टील के फेवर में भूषण स्टील चली जाएगी। सो ये एक बड़ा सस्पेंस है। 45,000 करोड़ का डेट है और सरकार यही चाहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऊंची बिड पर भूषण स्टील को निकाला जाए, उतना ही ज़्यादा लॉस रिकवर हो सकता है। सो फिलहाल जीएसडब्ल्यू स्टील के फेवर में जाती हुई पारी। अब आगे देखने की बात है कि क्या टाटा स्टील और लिबर्टी हाउस इस बिड को रिवाइज करेंगे और नई बिट आएगी या नहीं, ये सस्पेंस बरकरार रहने वाला है। इससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स पर। और फिलहाल तो चूंकि कंपनी डेट में थी, लेकिन जून क्वार्टर के नंबर काफ़ी उम्दा पोस्ट किए हैं भूषण स्टील ने, जहां पर लास्ट जून या जून 17 में भूषण स्टील ने 3,649 करोड़ का टोटल नेट सेल्स पोस्ट किया था। वहीं जून 18 में जो नेट सेल्स पोस्ट किया वो लगभग 800 करोड़ का राइज आया है और 4,420 करोड़ के आसपास का नेट सेल्स पोस्ट किया है कंपनी ने। साथ ही अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करते हैं पीबीटी, तो कंपनी ने 2,104 करोड़ का प्रॉफिट पीबीटी पोस्ट किया है, जबकि लास्ट ईयर 1,602 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था कंपनी ने जीएसडब्ल्यू स्टील ने। लेकिन साथ ही इसमें एक ट्विस्ट और भी है कि इस वर्ष कंपनी ने 2937 यानी कि 2,937 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम से इनकम है, जो कि लास्ट ईयर नहीं थी। यानी कि जो एक्चुअल इनकम है प्रॉफिट बिफोर अदर इंक्लूसिव इंटरेस्ट एक्सेप्शनल आइटम टैक्सेस, तो वो जो इनका प्रॉफिट था 467 करोड़ के आसपास का था।
जबकि लास्ट ईयर 160 करोड़ का लॉस था। तो अगर हम सभी चीज़ों को हटा भी देते हैं, फिर भी लास्ट ईयर जून क्वार्टर के मुकाबले इस वर्ष काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है भूषण स्टील ने। जहाँ पिछली बार 160 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखाया था, वहीं इस बार 467 करोड़ का मुनाफा कंपनी दिखा रही है। सो ओवरऑल नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, लगभग 1486 करोड़ का पिछली बार नुकसान था और इस बार 2104 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के अंदर घुस रहे हैं, वो इस कंपनी का पूरा मेकओवर कर देंगे, इसका कायाकल्प कर देंगे, क्योंकि कंपनी जैसे ही टाटा स्टील, लिबर्टी हाउस या JSW स्टील, इन तीनों में से जिसके भी फेवर में जाती है, कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो भी डेट था 45,000 करोड़ का, उसके एवज में कंपनी जो चाहे वो टाटा स्टील हो गए, चाहे वो लिबर्टी हाउस हो गया, चाहे JSW स्टील हो गए, ये ऑलरेडी ऑक्शन का जो पेमेंट कर देंगे उससे कंपनी इनके फेवर में चली जाएगी और ये फिर नया मेकओवर करेंगे कंपनी का और उसके बाद कंपनी का टर्न अराउंड होगा स्टार्ट। ओवरऑल फ्यूचर ब्राइट लग रहा है JSW स्टील का, क्योंकि जो बड़े प्लेयर जिस तरीके से बड़े प्लेयर इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, जितना पैशन दिखा रहे हैं, वो शायद NCLT में किसी और कंपनी के लिए हमने नहीं देखा फिलहाल अभी तक। सो भूषण स्टील सिंगल कैंडिडेट है जिसमें कि ये तीनों बड़े प्लेयर बहुत ही एग्रेसिवली बिडिंग कर रहे हैं और स्टिल फाइट अभी जारी है और मुझे लगता है ये इस कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छी बात रहने वाली है आगे नियर फ्यूचर में। फिलहाल अगर स्टॉक का प्राइस हम देखते हैं तो लगभग 29.40 रुपीज़ का स्टॉक का प्राइस चलता है, लगभग 20-21 रुपीज़ का एक बहुत ही बड़ा मजबूत और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक कि 20 रुपीज़ के नीचे स्टॉक बंद नहीं होता, आप समझ लीजिए कि स्टॉक में तेज़ी बरकरार रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में आप किसी भी बुलिशनेस को एक्सपेक्ट मत कीजिए जब तक कि ये डील फाइनल नहीं हो जाती कि कौन भूषण स्टील को परचेज करने वाला, कौन ऑक्शन बिड जीतने वाला है। एक बार वो न्यूज़ फाइनलाइज हो जाती है, एक बार सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, उसके बाद ये स्टॉक अपनी चाल दिखाएगा। उसके लिए जब तक आप इसके क्वार्टरली नंबर्स को इंतज़ार कर सकते हैं, सितंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, उससे हमें एक और आइडिया पड़ जाएगा कि जून क्वार्टर में तो चूंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए थे, अगर सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी अच्छे नतीजे पोस्ट करती है सो डेफिनेटली आने वाले कुछ क्वार्टर इस भूषण स्टील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो निवेशक है उनके लिए बहुत शानदार हो सकते हैं। सो गाइज, फिलहाल इसका जो बॉटम सपोर्ट लेवल है 20-21 रुपीज़ का है भूषण स्टील का। अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग, अगर मैं बात करूँगा, बहुत बड़ा अपसाइड की बात नहीं करता, छोटे छोटे लेवल पर चलते हैं, तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो लगभग 33-35 रुपीज़ का रहेगा। एक बार 35 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है डेली वीकली चार्ट में, देन स्टॉक फिर आपको 45 से लेके 50 की रेंज में डेफिनेटली दिखाई देगा और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भूषण स्टील के अंदर है। ओवरऑल अगर मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो मुझे काफ़ी चार्ट बहुत बेटर लग रहा है। यहाँ पर एक सस्टेन कर रहा है, पोजिशन को मेनटेन कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहा है स्टॉक, और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहे वो आप मंथली चार्ट पे देखिए, चाहे वो आप क्वार्टरली चार्ट पे देखिए, बहुत ही बढ़िया है। जिस तरह से जैसे डील सैंक्शन हो जाएगी, ये स्टॉक आपको बहुत ही तेज़ मूवमेंट दिखा सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। सो गाइज, गेट रेडी, इस स्टॉक में आप लोग SIP लगा सकते हैं। मुझे लगता है 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ भूषण स्टील में परचेज करना कोई बुरा सौदा नहीं होगा, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज 45,000 करोड़ के डेट की इस कंपनी को ख़रीदने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर आप केवल 8-10 रुपए का रिस्क लेके इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं सो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही शानदार रिटर्न लाने वाला स्टॉक हो सकता है, मुझे ये लगता है। रेस्ट आप अपने एनालिसिस कीजिएगा, 20 रुपीज़ मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वीकली और मंथली कैंडल के ऊपर। सो गाइज, भूषण स्टील फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, कब सस्पेंस एंड होगा ये कोई नहीं जानता, बट जब भी एंड होगा सो डेफिनेटली ये कंपनी किसी बड़े प्लेयर के छत्र छाया में काम करना शुरू कर देगी। पूरा स्टाफ, पूरा जितना भी वर्कफोर्स है वो सभी, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो लिबर्टी हाउस हो या फिर JSW स्टील हो, उसकी छत्र छाया में काम करना शुरू करेगी और फिर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें भूषण स्टील में देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट ऑफ द भूषण स्टील। आपको ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो। केवल 10 रुपये का रिस्क है, रिवॉर्ड्स
अनलिमिटेड है भूषण स्टील के अंदर। तो दोस्तों ये हमने बात किया आज भूषण स्टील के अंदर, कौन खरीदने वाला है ये आने वाले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस स्टॉक पर अपनी तीखी नज़र बना के रखिए, जैसे ही सुनहरा मौका मिले तो आप इसको कैच कर लीजिए, पकड़ लीजिए और आप इसको खरीद कर अगले कुछ छमाही के लिए, अगर मैं बात करूं 3 या 4 छमाही के लिए भूल जाइए, लगभग 2 साल आप इसको होल्ड करके भूल जाइए, शानदार रिटर्न्स आपको डेफिनेटली ये स्टॉक देगा। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूंगा दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, भूषण स्टील पे अपनी नज़र जरूर बना कर रखिएगा, ये स्टॉक कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, क्या करता है भूषण स्टील ये तो आगे की बात है। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मनीट्री के साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी के बारे में पता चले और वो लोग इस पर नज़र बना कर गए, क्योंकि इस वक्त बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक के अंदर एंट्री जरूर बना रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।